हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस भाई अंकित सर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम स्पीड स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। मतलब बात करें टाइम मतलब समय, स्पीड मतलब बात करें चाल, और डिस्टेंस दूरी। आज हम बात करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हाई कॉन्सेप्ट तक, प्लस एग्जांपल। इसमें सारे हमारे कवर होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, हाई कॉन्सेप्ट और एग्जांपल, सारे इसमें हम कवर करेंगे। चलते फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो जैसे दिया गया है टाइम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। हम जान चुके हैं टाइम मतलब समय, स्पीड मतलब चाल, और डिस्टेंस मतलब दूरी। बात करेंगे दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? दूरी बराबर हम बात करेंगे डिस्टेंस बराबर चाल गुड़े समय। चाल गुड़े समय। अगर हम डिस्टेंस को मतलब दूरी को डी से डिनोट करें और चाल को स्पीड को एस से डिनोट करें और टाइम को टी से डिनोट करें, तो यहाँ पर हम देखेंगे डी बराबर यस गुड़े टी, डी बराबर यस गुड़े टी। तो हम सिंपली हम याद करेंगे, अब जहाँ पर हम दूरी लिखेंगे तो वहाँ पर हम डी लिखेंगे, ना कि डिस्टेंस पूरा लिखेंगे, और यस बराबर हम लिखेंगे चाल को, और टी लिखेंगे हम समय को। अब यहाँ से हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट। जैसे हमारा दिया गया है कि किसी भी वहाँ कहीं पर भी हमारा दिया गया है डिस्टेंस बता गया डी, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट दिया गया है। क्या दिया गया है? कांस्टेंट दिया गया है। अगर हमारा जो डिस्टेंस है मतलब दूरी है, अगर हमारी नियत दी गई है तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए जो हमारा स्पीड का रेशियो आएगा, स्पीड प्रोपोर्शनल टू वन अपान टी। हम कह सकते हैं कि अगर हमको स्पीड का निकालना हुआ S1 T1 बराबर cos tend, और यहां से देख रहे हैं S1 और T1 बराबर S2 T2। यहां से अगर हमको स्पीड का रेशियो निकालना हुआ S1 upon S2 बराबर, तो यहां से निकल के आएगा T2 upon T1। ये हो जाएगा, कहीं पर अगर हमको दिया गया है दो टाइम पता है हमको, मतलब कि T1 और T2 पता है, और एक चाल पता है, तो वहां से हम तीन चीज, मतलब कि अगर हमको तीन चीज पता हो तो वहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारा दिया गया है, यहां तो हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट था, अब हम बात करेंगे कि हमारा टाइम कांस्टेंट है। अगर हमारा टाइम नियत है तो वहां कैसे होगा? जैसे हमारा टाइम दिया गया है कि एक निश्चित समय में तो इतना दूरी तय करता है और प्लस इतनी चाल से, तो वहां पर अगर दिया रहता है तो वहां पर क्या होगा? हमारा टाइम तो नियत है, तो टी बराबर होता है फ्रेंड्स डी अपान यस बराबर हमारा क्या है? नियत है। तो इसलिए हो जाएगा यहां पर D1 upon S1 बराबर D2 upon S2। इसी तरह से और हम देखेंगे कि अगर हमारा दिया गया है टाइम, उसके बाद दिया गया स्पीड, हमारी कांस्टेंट क्या स्पीड
कांस्टेंट दी गई है, नियत दी गई है, तो वहां क्या होगा? जैसे हमारी स्पीड नियत दी गई है तो उसके लिए यस बराबर डी अपान टी होता है। तो यहां पर हमारा स्पीड जो है वह हमारा नियत है, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा डी वन अपान टी वन बराबर डी टू अपान टी टू। तो ये तीन नियम हम जान चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू पर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दिया गया है ए, ए जो है वह एक निश्चित दूरी एक नियत चाल से तय करता है, मतलब कि नियत वो एक निश्चित दूरी है, मतलब डी हमारा सेम है, वह जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और उसे लगता है 30 मिनट, कितना 30 मिनट का समय लगता है, और वह फिर दूसरी स्पीड से जाता है, उसे लगता है जैसे वह जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर्स। अब उसे 30 किलोमीटर पर आवर जाने में उसे कितना समय लगेगा, हमको सेकेंड वाला टाइम निकालना है। तो यहाँ पर डी जो है हमारा वह नियत है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो जैसे हो जाएगा स्पीड, स्पीड हमारी है, हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था अगर हमारा डी कांस्टेंट है तो वहां होगा यस वन अपान यस टू बराबर टी टू अपान टी वन। हमको टी टू ज्ञात करना है, टी टू हमारा नहीं दिया, तो यस वन की वैल्यू दी गई है 20 और यस टू की वैल्यू दी गई है 30 और टी टू की वैल्यू दी गई है हमारे को, हमको टी टू की वैल्यू निकालना है और टी वन की वैल्यू दी गई है 30। तो यहाँ से जो निकल गया, क्योंकि ये हमारा बट्टे में है इसलिए हमारा मात्रा का कोई ध्यान नहीं है, तो 3 × 30 से 30 कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 10, तो 20। तो टी टू बराबर फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा 20 सेकेंड, कितना जाएगा फ्रेंड्स 20 मिनट आ जाएगा, टी टू बराबर कितना जाएगा 20 मिनट। इसी तरह से हम निकालेंगे और कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे हमारा दिया गया है हमारी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, किसमें दी गई है, किलोमीटर पर आवर में दी गई, इसे हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे बदलेंगे, चलिए हम चेंज करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 घंटे बराबर होते हैं 60 × 60 60 × 60 सेकेंड। तो यहाँ से जब हम काटेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ जाएगा 5 बार और ये जाएगा 3 बार, तो यहाँ से जो आएगा 5 मीटर प्रति क्षेत्रिक 18 18 सेकेंड। मतलब कि अगर हमको किसी भी संख्या को किलोमीटर पर आवर में बदल से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो वहाँ पर 5/18 से हम गुणा कर देते हैं, सेम इसी प्रकार से अगर हमें मीटर प्रति सेकेंड से हमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में तो हम करेंगे 18/5 से गुणा, क्योंकि ये बदलना तो यहाँ भी बदल जाएगा। तो हम यहाँ से जान सकते हैं कि अगर हमको ज़्यादा से कम में बदलना है, मतलब किलोमीटर ज़्यादा है और मीटर हमारा कम है, अगर हमको ज़्यादा से कम में बदलना है तो हम जो अंश होगा वह हमारा छोटा होगा। अंश क्या होगा, अंश हमारा क्योंकि हम छोटे में जा रहे हैं इसलिए हम छोटे से ऊपर गुणा करेंगे, और यहाँ पर अगर हम बड़े से छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो अंश हमारा बड़ा होगा, लगी अंश हमारा बड़ा होगा, अगर छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो अंश बड़ा और बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो यहाँ पर अंश छोटा हो जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल
जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, एक व्यक्ति एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक व्यक्ति एक निश्चित एक निश्चित दूरी का को कवर कवर करने में 10 मिनट अधिक समय लेगा। वह अपनी स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर पर आवर्स से 20 किलोमीटर पर आवर कर देगा। तो दूरी ज्ञात कीजिए, हमको दूरी निकालना है यहाँ पर, दूरी ज्ञात कीजिए कि दूरी क्या होगी। तो दूरी निकालने के लिए देखते हैं हम डी बराबर यक्स वाई बटे यक्स माइनस वाई गुड़े डेल्टा टी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं यक्स है हमारा 20, कितना है फ्रेंड्स, यक्स है हमारा 30 और वाई है 20, और दोनों का अंतर हमारा 10 आएगा, 20 में से 30 में से 20 गया तो 10, और यहाँ से 10 मिनट दिया गया, 10 मिनट हमारा अंतर दिया गया 10 बटे 60, क्योंकि इसको हमको सेकेंड में बदलना है, सॉरी इसको मिनट दिया गया है, इसको हमको घंटे में बदलना है। तो यहाँ से 10 से 10 चला जाएगा और 60 से 3 दूनी 6 60 चला जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इसकी हो जाएगी दूरी। फ्रेंड्स हम देखें कि हम कैसे मिनट को घंटे में बदले, मिनट को घंटे में बदले क्या के 60 से हम भागा दे दिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल मोहन मोहन घर से स्कूल तक जाने में 60 मिनट का 60 मिनट का समय लेता है, 60 मिनट का समय लेता है। यदि वह स्कूल से घर आता है तो वह अपनी चाल को 3/2 कर लेता है तो आते समय उसे कितना समय लगा, तो
कितना समय लगा होगा। तो देख लेते हैं हम कि हमारा दिया गया है 60 मिनट। देवीरेन 60 मिनट स्पीड चाल को क्या कर देता है, चाल को वह तीन से, चाल को मतलब स्पीड को, स्पीड पहले हमारी 2 थी अब 3 हो गया है। और टाइम का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा 3:2, 3:2। अब स्कूल तक जाने में, अगर जाने में वह 3 बराबर अगर 60 मिनट है, तीन बराबर 60 है, तो 1 बराबर निकल के आएगा 20। 1 बराबर क्या आएगा, 20 मिनट आएगा। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर 40 मिनट। तो आते समय उसे 40 मिनट समय लगा होगा। तो यही हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 मिनट समय लगा। नेक्स्ट का नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जिसे दिया गया है ए बी सी हैं, ए बी सी मतलब कि 3 विद्यार्थी हैं ए बी सी, उनकी चाल क्रमशः, उनकी चाल दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर और दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर। वे एक सर्टेन मतलब निश्चित दूरी को तय करते हैं सी द्वारा 420 सेकंड का समय लिया जाता है। तो ए द्वारा एवं बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। हमको ए द्वारा और बी द्वारा कितना समय लगा हमको ज्ञात करना है। फ्रेंड्स ये कैसे होगा, सबसे पहले हम स्पीड, इनकी स्पीड कितनी है, स्पीड की बात करेंगे तो ए की 30 है और बी की 40 है और सी की 60 है। अगर हम इन तीनों का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकल के आएगा 3, 4 और 6 का। ये हमारा स्पीड का रेशियो हो गया। अगर टाइम का रेशियो है तो हमको इसको अपोजिट करना पड़ेगा। तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए 3, 4 और 6 का हम ले लेंगे एलसीएम। 3, 4 और 6 का अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो हो जाएगा 12। अगर हम 12 में 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा 4। अनुपात 12 में 4 से भागा देंगे तो 3 हो जाएगा और 12 में 6 से भागा दें तो 2 हो जाएगा। यहाँ दिया गया सी, सी मतलब 2 बराबर दिया गया है 420 सेकेंड। 1 बराबर हो जाएगा 210 सेकेंड। तो यहाँ से 4 बराबर की बात करेंगे हम तो 4 बराबर जो निकल के आएगा फ्रेंड्स वह निकल के आएगा 4 × 2 = 8 840 सेकेंड। ए बराबर कितना आ जाएगा 840 सेकेंड। और बी का बात करेंगे तो बी बराबर 1 = 210 है तो 3 × 3 = 6 630 सेकेंड हो जाएगा बी द्वारा। फ्रेंड्स यही हो जाएगा इसका आंसर।
चलते हैं फ्रेंड्स अब क्वेश्चन की ओर। और हाँ एक टाइप और बचा है कि जैसे क्वेश्चन दिया जाता है डिस्टेंस कांस्टेंट, जैसे हमारा डिस्टेंस डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस हमारा क्या है कांस्टेंट है, नियत है। तो यहां देखते हैं हम, जैसे दिया गया है स्पीड यक्स जाता है, ये जाता है यक्स की स्पीड से, फिर इधर से ए से बी तक, ए से बी तक वह जाता है यक्स की स्पीड से और आता है वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ जो टाइम लगेगा हमारा और दूरी है डी डिस्टेंस, तो यहाँ से जो टाइम लगेगा टी यक्स बराबर हो जाएगा डी अपान यक्स, डी अपान यक्स। यहाँ पर टी वाई बराबर हो जाएगा डी अपान वाई। तो टोटल हम समय निकालेंगे, टोटल टाइम, टोटल टाइम बराबर हो जाएगा टी एक्स प्लस टी वाई। तो टी एक्स का मान है डी अपान एक्स और टी वाई का मान है डी अपान वाई। जहां से जो निकल के आएगा यहाँ वाई एक्स वाई हो जाएगा और इधर हो जाएगा डी एक्स प्लस वाई और इधर हमारा हो जाएगा टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस दूरी की बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे तो यक्स प्लस वाई, अरे दूरी की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यक्स यक्स वाई बटे यक्स प्लस वाई और गुणे टोटल टाइम। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा दूरी निकालने का फार्मूला। एक और होता है दूरी निकालने के लिए, हम बात करेंगे रेशियो मेथड से, किसे रेशियो मेथड, रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड से अगर हम ज्ञात करेंगे तो यहां से जब रेशियो मेथड हम कब यूज करेंगे, जब डायरेक्ट टाइम टाइम या स्पीड निकालना हो, स्पीड निकालना हो तो हम क्या प्रयोग करेंगे, तो हम रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। तो रेशियो मेथड कैसे प्रयोग होता है, जैसे दिया गया है स्पीड का रेशियो दिया गया है, स्पीड का रेशियो दिया गया है एक्स वाई और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा वाई एक्स। अगर हम टोटल समय की बात करेंगे, टोटल समय कितना है टी टी, टोटल समय है एक्स प्लस वाई, टोटल समय बराबर वाई प्लस एक्स, टोटल समय कितना दिया गया है वाई प्लस एक्स। अगर हम यहां से दूरी की बात करेंगे, दूरी बराबर चाल गुड़े चाल गुड़े समय, चाल गुड़े समय। अगर हम यहां से y प्लस या मतलब कुल टोटल बराबर, यहां से अगर हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल समय बटा y प्लस x, y प्लस x। ऐसे अगर हम चाल की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो चाल हमारा है, चाल हमारी कितनी है, चाल है यक्स, चाल हम क्या लेंगे, चाल हम लेंगे यक्स, चाल हमारी यक्स है गुड़े समय है वाई, वाई समय है और गुड़े एक बराबर, अगर इतना दिया तो वाई को अगर गुणा करेंगे एक से तो यहाँ से हो जाएगा टी टी टोटल समय बटे वाई प्लस यक्स। तो यहाँ से दूरी का जो फार्मूला निकल के आ रहा हमारा यक्स वाई टोटल समय बटा वाई प्लस यक्स,
तो यहाँ से भी सेम आ रहा है रेशियो मेथड से, और हमारा वैसे भी कर रहे हैं उससे भी हमारा सेम ही आ रहा है। तो रेशियो मेथड का प्रयोग और इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, चलिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल है ए से बी तक जाने में एक आदमी है, उसे ए से बी तक जाने में वह जाता तो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और आता है 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और उसे जो टोटल समय लगता है, टोटल टाइम लगता है उसे ए से बी तक जाने में, तो उसे टोटल टाइम 50 मिनट का लगता है। तो हमको ज्ञात करना है कुल डिस्टेंस, मतलब दूरी हमको ज्ञात करना है, और ए से बी तक जाने में समय और बी से ए तक आन जाने में समय, तो हमको दोनों समय हमको याद करना है। चलिए हम इसको निकालते हैं। जैसे दिया गया है 20 किलोमीटर, तो यहाँ से दूरी हो जाएगा हमारा यक्स वाई बटे यक्स प्लस वाई गुणे टोटल समय। तो यहाँ रख देंगे यक्स का मान है 20 और वाई का मान है 30 बटे 20 गुणे 30 सॉरी 20 धन 30 और गुणे टोटल समय है 50 मिनट। 50 मिनट को अगर हम घंटे बदलेंगे तो इसे हम 60 से भागा देंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा 3 × 6 = 600 बटा 3 × 2 = 5 50 गुणे 50/60। तो 60 से 60 6 × 60 यहाँ जा रहा है 10 बार और ये 50 से 50 चला जा रहा है, तो कुल मिलाकर आएगा 10 किलोमीटर। यहाँ से अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम के लिए हमको रेशियो मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। किसका उपयोग करना पड़ेगा, टाइम के लिए हमें रेशियो मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो रेशियो मेथड का प्रयोग करने के लिए अगर हम ए से बी तक जा रहे हैं तो कितनी स्पीड से जा रहे हैं, तो स्पीड से जा रहे हैं हम 20 और आ रहे हैं 30 से, तो यहाँ से दोनों का रेशियो जो आएगा 2:3 का आएगा। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम जिस इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब 3:2। और टोटल समय की बात करेंगे 3 × 2 = 5, अगर 5 बराबर 50 मिनट है तो 1 बराबर हो जाएगा 10 मिनट। तो इसलिए अगर उसको हम जाने में बात करें तो 3 × 30 मिनट और आने में बात करेंगे तो 10 × 20 मिनट। तो यहाँ से जाने में उसे लग रहा है 30 मिनट और आने में 20 मिनट, ऐसे हम निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। एक तो ऐसा दिया रहता, फिर उसके बाद एक ऐसा दिया रहता, जैसे दिया गया है एक आदमी ए से बी तक जाता है वह यक्स किलोमीटर पर आवर से, और फिर वो दूसरी स्पीड जाता है वाई किलोमीटर पर आवर से, और वहां पर जब वो वाई से जाता है तो उसे डेल्टा टी समय ज्यादा लगता है, मतलब उसे कुल समय ज्यादा लगता है, और वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तब उसे टी एक्स समय लगता है। तो यहाँ से हमें निकालना है टाइम का डिफरेंस, तो d/dy − d/x बराबर डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी मतलब टाइम डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ से dy d/y − d/x, तो यहाँ से देख रहे हैं हम अगर d की बात करेंगे तो xy/x − y गुड़े डेल्टा टी। इस फार्मूले के हम कहाँ प्रयोग करेंगे, इस फार्मूले का वहाँ प्रयोग करेंगे हम जहाँ पर क्वेश्चन में
किस जहां पर क्वेश्चन में अधिक अधिक या कम दिया होता है, मतलब कि जिस प्रश्न में भी अधिक या कम दिया होता है वहां पर हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को कवर करने में 20 मिनट अधिक समय लेगा, वह अपनी स्पीड को लेता लेगा यदि वह अपनी चाल को 40 किलोमीटर पर घंटे से 30 किलोमीटर पर घंटे कर देगा, तो उसकी दूरी दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसकी दूरी हमको ज्ञात करना है कि उसकी दूरी क्या है। तो दूरी निकालने के लिए डी बराबर यक्स वाई बटे वाई माइनस यक्स, अंतर हो जाएगा, जो बड़ा रहेगा उसी का हम अंतर ले लेंगे, मतलब अगर यक्स बड़ा है तो यक्स में से घटाएंगे, अगर वाई बड़ा है वाई में से घटाएंगे, गुणे टाइम डिफरेंस। तो यहाँ से यक्स का मान है 40 और वाई का मान है 30, यक्स का मान है 40 और वाई का मान है 30 बटे वाई माइनस यक्स, मतलब यक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 किलोमीटर का अंतर। और टाइम डिफरेंस दिया गया है 20 मिनट, 20 मिनट को इसको हम सेकेंड में बदलने के लिए, सॉरी घंटे में बदलने के लिए 60 से भागा दे देंगे। तो यहाँ से 1 0 1 0 चला जा रहा है, 2 से 3 बार चला जा रहा है और 3 से 1 चला जा रहा है, तो 10 से 10 चला जा रहा है। तो यहाँ से जो दूरी निकल के आएगी वह आएगी 40 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई, डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गया 40 किलोमीटर। फ्रेंड्स यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, उत्तर क्या जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर्स, सॉरी 40 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वो जाता है, तब उसे लगता है 5 मिनट लेट जाता, 5 मिनट लेट होता है। अगर वह 15 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो उसे 20 मिनट जल्दी होता है। तो हमें दूरी निकालनी है कि दूरी क्या होगी, दूरी हमें निकालना है और एक्चुअल टाइम, टाइम एक्चुअल मतलब कि शुद्ध समय हमको निकालना है, मतलब सही समय और दूरी हमें ज्ञात करनी है। अगर वह 10 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, अगर वह 15 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो वह 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए और सही समय बताइए। तो यहाँ से हम दूरी निकालेंगे, तो दूरी हो जाएगा दूरी बराबर 10 गुणे 15 बटे अंतर दोनों का तो 5 आ जाएगा गुड़े। अब समय का अगर देख लेते हैं हम,
लेट हो रहा है, यहाँ पर लेट हो रहा है और यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से जो हो जाएगा समय, यहाँ लेट और अर्ली, अगर ये लेट है तो माइनस और अर्ली है प्लस, तो दोनों हमारा अगर विपरीत हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 20 और 5 25 मिनट हो जाएंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस 25 मिनट, इसको घंटे मिनट में दिया गया, इसको घंटे में बताने के लिए 6 से 60 से हम भागा देंगे, तो 0 से 0 चक्का चला जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 5 तियाई 15, 5 अहम 25, तो जो निकल गया यहाँ से 5 अहम 25/2 बराबर 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर, ये तो दूरी हमारी निकल के आ गई, दूरी हमारी कितनी निकल के आ गई, 12.5 किलोमीटर। अगर हम समय के एक्चुअल समय की बात करेंगे तो ये हम निकालेंगे रेशियो मेथड से, तो रेशियो मेथड होता है स्पीड, स्पीड दी गई है 10 और 15, 5 दूनी 10, 5 तियाई 15, और टाइम का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो टाइम का अपोजिट मतलब कि स्पीड का अपोजिट हो जाता है, तो 3:2। अगर यहाँ से अंतर हम देख रहे हैं 3 और 2 में 1 का अंतर आ रहा है, 1 बराबर 25 का अंतर दिया गया है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 25 का हो रहा है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 बराबर 75 और 2 बराबर 50, ये हमारे सही समय नहीं है। अगर हम 75 अगर समय लग रहा है तो वहाँ पर 5 मिनट लेट हो रहा है, तो एक्चुअल जो समय हो जाएगा वह हो जाएगा 75 माइनस 5, तो 70 मिनट हो जाएंगे एक्चुअल समय। हम इससे निकाले, अगर हम इससे निकालते तो 50 हो रहा, 50 मिनट लग रहे हैं और 20 मिनट जल्दी हो रहा है, तो 50 में 20 को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ से भी 70 हो जाएगा, मतलब कि एक्चुअल समय की बात करें तो वहाँ पर 70 मिनट लग रहे हैं, 70 मिनट हमारी एक्चुअल टाइम हो गई। इसी प्रकार से हम एक और प्रश्न देखते हैं, एक और प्रश्न दिया गया है, 50 किलोमीटर की स्पीड से वह जाता तो उसे 20 मिनट लेट होता, 20 मिनट लेट पहुंचता, अगर वह 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है तब वह 10 मिनट लेट होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस, सॉरी, हमको दूरी ज्ञात करनी है और एक्चुअल टाइम, हमको दूरी बताना है और एक्चुअल टाइम ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा अगर हम दूरी की बात करेंगे तो डी बराबर निकालेंगे हम डिस्टेंस बराबर दोनों चालों का गुणनफल, तो 50 गुणे 60, और दोनों चालों का अंतर, तो 50 60 में से 50 जाएगा तो 10, और यहाँ से लेट लेट हो रहा, अगर लेट लेट है, अगर सम अगर हमारा दोनों समान है तो आपस में घट जाते हैं, तब क्या लेते हैं हम अंतर लेते हैं, तो 20 और 10 का अंतर 10 आ जाएगा, इसे हम घंटे में बदल लेंगे, तो 60 से हम दे देंगे भागा, तो यहाँ से 60 से 60 चला जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा 50 किलोमीटर, ये आ गई दूरी। अब समय निकालते हैं, समय निकालेंगे हम रेशियो मेथड से, तो यहाँ से स्पीड का रेशियो है 50 और 60, रेशियो निकालेंगे 5:6 आएगा स्पीड का, और टाइम का क्या होता है, टाइम का फ्रेंड्स इसका अपोजिट हो जाता है, तो टाइम का 6:5 हो जाता है। अगर हम अंतर की बात करें दोनों के, तो 1 आ रहा है, 1 बराबर 10 है, 1 बराबर 10 है, तो 6 बराबर 60 हो जाएगा और 5 बराबर 50 हो जाएगा। तो हमको एक्चुअल समय निकालना है, अगर वह 50 की स्पीड से जाता है तब तो वह 20 मिनट लेट होता है, मतलब अगर वह 50 की स्पीड से जाता है तब वहाँ पर 20 मिनट लेट हो जाता है, तो 20 मिनट मतलब उसे ज़्यादा समय लगता है, तो एक्चुअल समय जो हो जाएगा वह 60 माइनस 20, तो जो आएगा 40 मिनट, ये हो गया एक्चुअल समय। तो फ्रेंड्स यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, आंसर हो जाएगा। अब एक और टॉपिक बचा है, नेक्स्ट टॉपिक, अगर एवरेज हमको निकालना है, एवरेज स्पीड औसत चाल,
औसत चाल। एवरेज स्पीड, अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड बराबर होता है फ्रेंड्स कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। जैसे क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन एग्जाम्पल में हमारे डायरेक्ट ए की चाल है 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 5 घंटे में, और बी जो है वह 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 4 घंटे में, और सी जो है वह 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 6 घंटे में। तो यहाँ से अगर हम ज्ञात करेंगे एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 किलोमीटर, मतलब कि 100, 200 और 100, तो यहाँ हो जाएगा 400, कुल दूरी है 400 किलोमीटर, और टोटल समय है 6, 4, 10, 5, 15 घंटे। तो यहाँ से जो निकल के आएगा हमारा 15, 5 से जब काटेंगे इसको, 8, 5, 40, 80/3, 80/3 किलोमीटर पर आवर्स। एवरेज स्पीड क्या जाएगी 80 बटे 3 किलोमीटर पर आवर्स। अगर हम इसको ऐसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर स्पीड हम निकाल लेते हैं, स्पीड यहाँ तो अलग अलग दिया था दूरी और घंटे, तो यहाँ से अगर हम स्पीड निकालेंगे 5 घंटे में चल रहा है 100 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसकी स्पीड की बात करेंगे तो यह 200 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। अगर इसकी स्पीड की बात करेंगे हम तो यह 6 घंटे में चल रहा है 100 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 50 बटा 3 किलोमीटर पर आवर। अगर हम यहाँ से टोटल दूरी निकाल लेंगे, मतलब एवरेज चाल निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या होता है कि कुल एवरेज चाल जो होगा 20 प्लस 50 प्लस 50 बटे 3, और बटे में 3, मतलब कि क्या होता है अगर हम एवरेज निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5, 2, 7 प्लस 50 बटा 3, 3, 3, 3, 3, 9 और 7, 3, 21, सॉरी यहाँ पर 21 लिख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 260 बटे 9, जो कि ये हमारा बिल्कुल गलत आएगा। लेकिन इससे हम अगर बहुत लोग सोचते होंगे कि हम इससे निकाल लेंगे, तो ये हमारा मेथड बिल्कुल गलत होता है। एवरेज स्पीड निकालने का ये मेथड बिल्कुल गलत है। अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यही होता है एवरेज स्पीड निकालने का। अगर आप कोई सोच ले कि हमको ऐसे निकालना है तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा कि हाँ पहले ला दो स्पीड निकाल लेते हैं, उसके बाद सभी स्पीडों को हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद जितना समय है मतलब जितना स्पीड है उसे हम 3 से भाग दे देते, 3 है 3 से भाग दे, 4 है 4 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन की ओर, प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न हम ज़्यादा नहीं अटेंड करेंगे, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की
चाल से आता है, वह आने और जाने में 3 घंटे लगाता है, दूरी ज्ञात कीजिए। तो टोटल समय दिया गया है, जाने में एक आदमी है वह यक्ष किलोमीटर, एक आदमी यक्ष किलोमीटर पर आवर्स के से वो जाता है और वापस लौटता है वाई किलोमीटर पर आवर्स से, और टोटल समय दिया गया है टी। तो यहाँ से दूरी हम निकालेंगे, तो दूरी होती है, दूरी यक्स गुड़े वाई बटे यक्स प्लस वाई गुड़े टोटल समय। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर। तो इसका आंसर नंबर इसमें फ्रेंड्स, तो इसका आंसर नंबर सी में, तो आंसर नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, 3 किलोमीटर की स्पीड से चाल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, 5 घंटे का समय लगता है, घर से स्कूल की दूरी कितनी है। तो दूरी निकालने के लिए दोनों चालों का पहले करेंगे 3 गुणे 2 बटे 3 2 5 करेंगे, मतलब दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योग और गुणे टोटल समय। टोटल समय कितना है 5 है, 5 से 5 चला जाएगा, तो यहाँ जो आने वाला है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आता है, आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगते हैं, तो ज्ञात करें कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की, उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। तो हमको दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए फार्मूला होता है दोनों चालों का गुणनफल, 25 गुणे 4 बटे दोनों चालों का योग, 25 4 29। अगर हम 5 घंटे 48 मिनट की बात करें, 48 मिनट को हम घंटे में बदलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बटे में 60, 12 4 48 12 5 60, तो 4/5 घंटे आएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें 5 सही 4/5, तो 5 25 4 29, तो 29/5 घंटे हो जाएगा। तो यहाँ से गुड़े 29/5, 29 से 29 चला जाएगा, 5 से 5 25 चला जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा 5 4 20, 20 किलोमीटर उसकी दूरी आ जाएगी, 20 किलोमीटर उसकी दूरी आ जाएगी। तो धन्यवाद दोस्त, यही थे आज के कुछ प्रश्न, तो बहुत हैं प्रश्न बहुत है, मगर टाइम भी बहुत हो गया, तो इसलिए फ्रेंड्स अब हम इस यहीं पर प्रश्न को हम विराम देते हैं। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और वीडियो पाने के लिए।